हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह के 11 बजे। और मैं नहा वहा ली हूँ, सारा अपना जितना भी काम था, मुझे दोनों रूम धोने थे, मैंने धो धा लिया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे अब दिन का खाना बनाना है। और मेरी पीहू भी एक बार सोई थी और फिर उठ चुकी है। मुझे लगा कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, पर आज मेरा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है। 11 बजे सारा कंप्लीट हो चुका है, बस अब मुझे खाना बनाना है। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मूली का साग, जो कि मैं पहली बार बना रही हूँ। आज तक मैंने मूली का साग ना बनाया है ना खाया है, मुझे आता भी नहीं है और ना मुझे उसका टेस्ट पसंद है। मैंने एक बार ट्राई किया था पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसीलिए मैं कभी बनाती भी नहीं थी और खाती भी नहीं। पर आज मैं पीहू के पापा के लिए पहली बार बना रही हूँ क्योंकि उन्हें पसंद है। तो पीहू को उल्लू बनाने के लिए ना डेरी मिल्क दे देती हूँ, इसलिए मैंने उसको डेरी मिल्क दे दिया है। अभी आराम से बैठी रहेगी, एक जगह चूसती रहेगी, थोड़ी सी डेरी मिल्क है मुझे भी खिला रही है। आ कितनी अच्छी बेटी है मेरी, मुझे डेरी मिल्क खिलाती है। मेरे पीहू खेल रही है तब तक। ये मेरी पीहू नहा चुकी है और इसको भूख भी लग गई है। अभी कुछ खाने के लिए वो कर रही है, तो इसको मैं दाल चावल खिला देती हूँ। गुस्सा देखो, गुस्सा देखो, पीहू का गुस्सा कैसे करती है। पीहू गुस्से में कैसे करती है, पीहू गुस्सा में बोलते हेलो गाइस, हाय करते थे बेटा। ये मेरे पीहू का फेवरेट है, हाय करती है पीहू, हाय हाय हाय। इसको भूख लग रही थी, अब लगता है भूल गई हूँ। क्यों पीहू भूल गई का नहीं भूले ना। और आज मैं पीहू को खाना खिलाने के लिए कार में लेके आई हूँ और ये पहले से ही गेट खोलने के लिए रेडी है। इसको कार में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए आज मैं इसको कार में खाना खिला रही हूँ। इसको जगह चेंज कर करके ना खाना खाने की आदत है, कभी ये बाहर खाएगी, कभी ये घर में खाएगी। और ये कितना ज़्यादा खुश होती है कार में बैठने से, इसीलिए इसको मैं कार में आज खाना खिलाती हूँ, है ना पीहू? रुको रुको, इसका पाउडर पूरा फैल गया है यार। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ गाइस, मैं यहीं बैठी हुई हूँ कार में, पीहू को खाना खिला रही हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पीहू को जगह चेंज कर करके खाना खिलाती हूँ मैं, क्योंकि एक जगह ये बैठ के खाती है तो बोर हो जाती है और एक ही खाना खा के भी ये बोर हो जाती है। इसको भुलाना पड़ता है पहले मुझे कि ये क्या खा रही है। थोड़ा देर 10 मिनट जैसा खाएगी एक दो बाइट और उसके बाद फिर ये खेलती है थोड़ा देर, फिर खाती है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरा यही है और दूसरा काम मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता है, वो तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। सिर्फ मुझे खाना ही खिलाने में पीहू को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी मुझे शांति भी नहीं मिलती अगर मैं खाना नहीं खिलाती हूँ तो। पीहू को लगता है कि कुछ खाया नहीं पीहू ने, इसीलिए खिलाना भी ज़रूरी होता है इसको। डेली का यही है मेरा, कभी कार में, कभी छत में, कभी बाहर, कभी रूही के घर, कहीं ना कहीं इसको बिठा के खिलाती हूँ, खेलते खेलते खा लेती वैसे ही। और अभी मैं इसको दाल चावल खिला रही हूँ और ऐसी बैठी हुई हूँ। और आगे कंटिन्यू रही है मेरे ब्लॉग में आप लोग। पीहू का रिएक्शन रिक्की को देख के खुशी, आहा, इतनी खुशी पीहू। पीहू खाना खाने के बाद यहाँ से गई नहीं थी, यहीं पे खेल रही थी, इन लोगों का वेट करी थी। दोनों भाई बहन कितना थक के आए पढ़ाई करके। क्या पढ़ा रही आज स्कूल में? ओहो, टेस्ट हुआ बस। ये चली मेरी पीहू इनके आगे आगे, इनके घर पहले जाएगी ये अपनी मेरी मम्मी को बताने जा रही है। हाँ, ये तुम्हारी मम्मी को बताने जा रही है कि रूही रिक्की आ गए स्कूल से। कितना स्पीड, इतना स्पीड, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कैसे तीन बज चुके हैं और पीहू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। हम लोग पीहू के पापा का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तब हम लोग भी खाना खाएंगे। मतलब पीहू ने खा लिया, मैंने नहीं खाया, बस मैं ही खाना खाऊंगी। पीहू मेरी पहले ही चली गई रूही रिक्की के घर और उसकी मम्मी को बताने जा रही है कि रूही रिक्की आ गए हैं। शाम हो चुकी है, अभी बज रहे शाम के 5 और पीहू, रूही और रिक्की हम लोग सब जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। ये लोग घर में डेली डेली रहते हैं तो आज बोल रहे हैं कि बाहर चलते हैं। इन लोगों को हम लोग दुकान तक घुमा के लाते हैं। पीहू भी चल के जा रही है, रिक्की भी चल के जाएगा।
किसी को गोदी नहीं करूंगी मैं, सब अपने अपने से चलो। और रूही गई है, अभी आ रही है वो भी। हम लोग चलते हैं रोड की तरफ, घूम के आएंगे। तो सबसे पता है किधर जाना है इसको, ये पहले जा रही है हम लोगों से। रूही दीदी का वेट कर रही है कैसे करके। इधर से रूही भी आ गई है। रुको रुको रुको, धीरे 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 धीरे, गिर जाओगे गिर जाओगे। चलो चलो आंटी, जाते जाते किसी और का हाथ ना पकड़ लेगी। नहीं पकड़ेगी, ये भी बोलती है जैसा जैसा वो लोग बोलते। नहीं बेटा, पैदल पैदल चलेंगे हम लोग, घूमू घूमू जा रहे हैं ना। और हम लोग चले घूमने के लिए। ये देखिए, एक ही हाथ पकड़ती है, दूसरा हाथ नहीं पकड़ती है ये। रूही इसका हाथ पकड़ रही तो हाथ छुड़ा लेती है ये। एक ही हाथ पकड़ना पसंद है इसको, कि मैं घूम हो जाऊंगी। बल्कि इतना ज्यादा ठंडा नहीं स्टार्ट हुआ है अभी। इधर पीहू को पर मैंने पहना दिया क्योंकि पीहू छोटी है अभी, हम लोग तो कोई भी नहीं पहने हैं। दीपावली के बाद ही लगता है रांची में ठंडा स्टार्ट होगा अच्छा वाला। अभी तो नॉर्मल है, उतना ज्यादा नहीं है, इतना चलता है। हम लोग वैसे तो 5 बजे पर, इधर का मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, एमपी साइड में इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता है, पर इधर अंधेरा होना शुरू हो गया है। वाले से अगर खुला होगा तो ले लेंगे। क्या लोगे बेकरी वाले से? तीनों ने एक एक बिस्किट ले लिया है और अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं पीहू को लेके। और पीहू दौड़ लगा रही थी, लग रहा था कहीं गिर ना जाए, और मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रही थी। ये आगे आगे घूम फिर के आने के बाद हम लोग आ चुके हैं छत में। और इधर मेरे पीछे पीहू, रूही रिकी है। रूही रिकी का आज सारा डॉल वगैरह उसकी मम्मी ने धो दिया था, तो ये लोग उसको लेने आए हैं। अब मेरी पीहू भी उनकी हेल्प कर रही है। देखिए आप लोग कैसे हेल्प कर रही है, पगली अपने से ज़्यादा भारी वजन वाला। और मुझे भी पर्दे वगैरह आज मैंने धोए थे बहुत सारे, ये देखिए। और ये मच्छरदानी को भी धो दिया था, इन सबको मैं भी लेने आई हूँ। और पीहू के पापा का सर्दी का कपड़ा भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दी जाते हैं तो उनको कपड़ा ठंडी लगती है। इसीलिए सिर्फ तुम लोगों के खिलौने से खेलती है ये, अपने खिलौने से नहीं खेलती है। और अंकल की गार्डनिंग में, अंकल तो चले गए हैं, तो मैंने यहाँ पे मेथी लगाई है 2 गमलों में, और 1 गमले में लगाया है धनिया। अब वो देखते हैं उगेगा तब ना, पता नहीं उगेगा कि नहीं उगेगा। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं खेत, जो है धान का खेत है, वो पीला पीला जितना भी है सारा धान पक चुका है। अब धनकट्टी स्टार्ट होगा, इसीलिए घास नहीं है, वो धान है। पीहू ने इन लोगों को तंग कर दिया, इनका खिलौना बार बार जाके उठा रही, धोया हुआ उसको गंदा कर रही है, लोग गुस्सा कर रहे हैं दोनों भाई बहन। अब भाग रही मेरी पीहू, दौड़ लगा रही है, दौड़ लगा। अब ये रूही अपनी डॉल से आप लोगों को मिलाती है, मिला दो। ये है टीना, जिसने अपने कपड़े खोले हुए हैं, हेलो कर दो। और ये है मेरी फेवरेट डॉल, जो मेरी मम्मी ने मुझको लाके दी थी, और ये मेरे नाने ने मुझको लाके दिया था। रूही सारा अपना डॉल से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही है, आप लोग मिल लीजिए रूही के डॉल से। ये है नोडी, जो रिकी के बर्थडे में मम्मी ने उसको दिलाया था। बर्थडे रिकी का था, गिफ्ट तुम्हें मिला था क्या? हाँ। अच्छा, शाम के टाइम पे यहाँ ठंडा लगेगा ज्यादा, तो चलते हम लोग नीचे। अब पीहू किसके गोदी में बैठेगी? रिकी कहाँ बैठा है? पीहू का रिएक्शन देखिए, रिकी अपनी मम्मी की गोदी में बैठा है, उसको कितना गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ बेटा? बैठेगी, आ मैं गोदी करूंगी, आज मेरी बेटी को मैं गोदी करूंगी। अब खुश। आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा डेली रूटीन, अब आजकल मैं डेली अपडेट रहती हूँ, मैं फ्री हूँ क्योंकि अभी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और डेली रूटीन और कुछ अगर आपको अलग चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं आप
और मेरी पीहू यहाँ पे कुरकुरे खा रही है। इसको अब मैं सुलाऊंगी और खाना भी बनाऊंगी क्योंकि इसके पापा आने वाले हैं। अब काफी लेट हो गया मुझे खाना बनाने में रात का, तो बनाती हूँ मैं खाना। तो मिलते हैं